गुजरात के वडोदरा के भायली में नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म की घटना से हड़कंप मच गया है। संस्कारी नगरी कहे जाते गुजरात के वडोदरा शहर के भायली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसके बाद शहर और जिला पुलिस जांच में जुट गई है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ गैंगरेप की कथित वारदात के उजागर होते ही पुलिस के साथ साथ FSL समेत की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मौकाए वारदात से सबूत ही जुटाए हैं। इस मौके पर घटनास्थल पर मार्किंग कर सैंपल लेने की कार्यवाही की गई है। રોડ ઉપર બનાવ બનેલો છે અને તપાસ ચાલુ છે. એક તૂટેલા ચશ્મા મળેલા છે, બરાબર ને? બીજી તપાસ ચાલુ છે. હા, એટલે એક બળાત્કાર જેવું થયેલું છે, માહિતી મળે. ના, એ હજુ તપાસ ચાલુ છે. એ મેડિકલ થશે ને પછી. અહીંયા બનાવ સ્થળે જે કઈ એવિડન્સ હોય તે કલેક્ટ કરી, હજુ બધું ચાલુ છે. વિક્ટિમ પોલીસ સ્ટેશન મેં અભી હૈ और कल की जो घटना है उसके बारे में वो भी क्लियरली महिला स्टाफ के साथ चर्चा कर रही हैं, बट स्पॉट उन्होंने बताया था, स्पॉट इसलिए हम लोग देखने पे आए हैं यहाँ पे, और FSL की टीम भी है जो एविडेंस यहाँ पे वो इकट्ठा कर रहे हैं. वो अभी क्या है, वो जो बच्ची है वो खुद भी थोड़ी शॉक में थी, ट्रॉमा में थी, तो वो खुद भी रिकवर होकर क्लियरली अभी महिला स्टाफ के साथ चर्चा कर रही है कि घटना क्या हुई थी. स्पॉट उसने बताया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं. ये समयाला जाने के रास्ते पे आता है और ये आप देख ही रहे हैं, आजू बाजू रेजिडेंस एरिया है और ये जगह वैसी है जहाँ पे शाम के टाइम में मूवमेंट काफ़ी कम होती है.